प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम नौवीं कक्षा के गणित का 11वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रचनाएं। इस चैप्टर में हम कुछ एक बेसिक रचनाएं जैसे एक कोण का समद्विभाजन करना और एक रेखाखंड का समद्विभाजन करना और कुछ अलग अलग कोण बनाना जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री आदि कोण बनाना और कुछ विशेष प्रकार के त्रिभुज जो है हम बनाना सीखेंगे। तो इनमें से काफ़ी काम जो हमने छोटी क्लासेस में भी कर लिया था, लेकिन उस समय जो है हमने सिर्फ रचनाएं करनी सीखी थी। लेकिन अब जो हम रचनाएं करने के साथ साथ उनकी कारण बताते हुए अपने रचना को प्रमाणित भी करेंगे कि रचना जो है हमारी सही है या नहीं है। अगर हमने किसी रेखा का समद्विभाजन किया है तो इसको हम प्रूव करेंगे कि वास्तव में ये समद्विभाजित हुई है कारण के साथ। तो देखिए, ये रचनाएं करने के लिए हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो है कुछ एक टूल्स होते हैं जिसमें जैसे ये स्केल हैं, प्रकार, डिवाइडर, चांदा और ये कुछ एक सेट स्केयर्स हैं। इनके प्रयोग से आप भली भांति परिचित हैं, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा वो टाइम नहीं लगाऊंगा। तो अब हम आगे बात करते हैं कि हमारी जो सबसे पहली जो रचना है वो है कि एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि हमें कोई एक कोण दिया हुआ है और ये कोण जो है इसको हम नाम देंगे, जैसे ये बड़ा कोण है, ये किरण जैसे ए बी है और ये किरण जो है बी सी है। तो ये जो कोण दिया हुआ हमें, कोण ए बी सी, ए बी सी हमें दिया है, हमें कोण ए बी सी दिया है और हमें इसके समद्विभाजक की रचना करनी है। हमें इसके समद्विभाजक की रचना करनी है। ओके, तो देखिए, वैसे तो आपको प्रकार में जो है एक बिल्कुल पतली पेंसिल का प्रयोग करना है, क्योंकि जितनी पतली और पेंसिल होगी उतनी अच्छी ज्योमेट्री जो है बनेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पेंसिल यूज़ करता हूँ तो वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा अच्छे ढंग से और आप उसे स्क्रीन पे नहीं देख पाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पर मार्कर का यूज़ किया है प्रकार में। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे हमें कोण ए बी सी का समद्विभाजन करना है तो आप अपनी मर्जी से प्रकार खोल लें और फिर B को केंद्र मान करके आपने एक चाप लगानी है ऐसे। ओके, ये चाप हम मान लेते हैं कि किरण BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है और किरण BA को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें इस कोण का समद्विभाजन करना है। तो समद्विभाजन करने के लिए देखिए, पहले तुम्हारा प्रकार इतना ही खुला है, इसको थोड़ा सा और खोल लें, ये लो। ठीक, तो पहले हमने क्या करना है कि D को केंद्र मान करके आपने एक चाप लगानी है यहाँ पर और फिर आपने उतनी खुली प्रकार रख करके E को केंद्र मान करके इसी चाप को काटना है। और ये हम मान लेते हैं कि किसी बिंदु F पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है।
अब आप बी और एफ को मिला दीजिए, अब जो बी एफ होगा वो कोण ए बी सी का समद्विभाजक होगा। तो देखिए इसमें आपने इसकी रचना लिखनी है, तो यहाँ पर आपने रचना की चरण लिखने हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं इसकी रचना में। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि बी को केंद्र मान करके कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई, बी को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई, जो किरण बी सी को डी पर तथा किरण बी ए को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है, जो किरण बी सी को बिंदु डी तथा किरण बी ए को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, अब डी और ई को केंद्र मान करके या थोड़ा अधिक प्रकार खोलकर डी व ई को केंद्र मानकर दो चाप लगाई, एक ये वाली और एक ये वाली, दो चाप लगाई जो बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। अब किरण बी एफ खींची, किरण बी एफ खींची। अब वास्तव में यही बी एफ जो है वो क्या है, कोण ए बी सी का समद्विभाजक है। अब यही किरण बी एफ कोण ए बी सी का अभीष्ट समद्विभाजक है। अभीष्ट का मतलब जो हमें चाहिए, अभीष्ट समद्विभाजक है। अब देखिए इतना काम तो आप छोटे क्लासेज में भी कर चुके हैं, अब जो है हमें इसके कारण सहित इसकी पुष्टि करनी है कि ये वास्तव में ही इसका समद्विभाजक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम डी और एफ को मिलाएंगे, और इसी तरह से ई और एफ को भी मिलाएंगे। देखिए मैंने क्या किया है, डी और एफ को मिलाया, ई और एफ को मिलाया। ये थोड़ा सा मैंने अलग कलर लिया है ताकि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए। आपने सेम एक ही पेंसिल से आकृति बनानी है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुजें प्राप्त होगी। अब इसका प्रमाण हमें देना है, तो प्रमाण के लिए हम क्या करेंगे, डी एफ तथा ई एफ को मिलाया, डी और एफ को मिलाया तथा
ई और एफ को मिला है, ई और एफ को मिला है, ओके। उसके बाद त्रिभुज बी डी एफ तथा त्रिभुज बी ई एफ में, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि बी डी जो भुजा है वो बी ई के बराबर है, बी डी बराबर बी ई है। क्यों बराबर है ये? क्योंकि एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं, एक ही चाप की त्रिज्या, ओके। और यहाँ से देखिए हमने समान त्रिज्या वाले दो चाप लगाए थे, इसका मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, डी एफ बराबर ई एफ, तो समान त्रिज्या वाले चाप है ये, समान त्रिज्या वाले चाप। इसके अलावा बी एफ जो है वो बी एफ के बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी? सर्वांग सम होगी, इसलिए भुजा 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 सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज बी डी एफ सर्वांग सम होगी त्रिभुज बी ई एफ के। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण का नाम क्या देंगे? डी बी एफ, इसलिए कोण डी बी एफ बराबर इस कोण का नाम ई बी एफ। ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे? क्योंकि सी पी सी टी द्वारा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग द्वारा। जब ये दोनों कोण बराबर होंगे, इसका मतलब बी एफ जो है वो ए बी सी का समद्विभाजक है, इसका मतलब बी एफ कोण ए बी सी का समद्विभाजक है। तो देखिए कि जैसे समद्विभाजन करना और रचना लिखने वाला काम हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, या जिन बच्चों के पास ड्राइंग सब्जेक्ट है उसमें वो कर चुके होंगे। और अब जो है ये आगे जो प्रमाण वाला काम है ये हमने इस चैप्टर में अलग से किया है। तो इसमें हमने जो त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसका प्रयोग किया है, और इसी तरह से बेसिक सा प्रयोग करके हम आसान से तरीके से प्रमाण भी कर देंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे रचना 11.2, एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करना है। लंब समद्विभाजक या लंबार्धक भी बोल देते हैं इसे, उसकी रचना हमें करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक रेखाखंड ए बी दिया हुआ है, एक रेखाखंड हम ले लेते हैं ए बी। जैसे मैंने पहले बताया आपने ये सारा पेंसिल से ही करना है, तो इस रेखाखंड को मैं ए बी नाम दे देता हूँ, और इस ए बी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की आपने रचना करनी है कि हमें जो ए बी भुजा है उसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है, कि यहाँ लगभग आधा हो गया और ई आधे से ज़्यादा मैंने प्रकार खोल लिए हैं। तो आधे से ज़्यादा आपने प्रकार खोल के पहले ए को केंद्र मान करके एक चाप आपने ऊपर लगानी है और एक चाप आपने नीचे लगानी, ओके। फिर आपने बी को केंद्र मानना है, देखिए ये बिंदु बी है,
बी पे प्रकार की नोक रखनी है आपने, और जो पहले जो चाप लगाई है आपने ऊपर और नीचे, उन दोनों चापों को कट कर देना है। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये चाप एक दूसरे को बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं मतलब काटती हैं। अब पी और क्यू को आप आपस में मिला दें, ये पी क्यू एक किरण होगी। ओके, अब मान लेते हैं कि पी क्यू जो है वो ए बी को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है, तो वास्तव में पी क्यू जो है वो क्या है, ए बी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, हमारी रचना तो यहाँ कंप्लीट हो जाती है, और हम इसका कारण भी देंगे कि इसे प्रूव करेंगे कि ये इसका लंब समद्विभाजक है, लेकिन उससे पहले ये जो हमने अब तक रचना की है उसको कैसे लिखना वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, रचना के जो चरण है वो देखिए कि पहले हमने क्या किया, ए और बी को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के ए बी के दोनों ओर चाप लगाई। वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिए कि ए और बी को केंद्र मानकर ए बी के आधे से अधिक, ए बी के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड ए बी के दोनों ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई चाप लगाई। क्लियर। उसके बाद माना कि ये चाप क्या है, पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, माना कि ये चाप एक दूसरे को पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं, फिर पी और क्यू मिलाई, तो अब पी क्यू ए बी को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है, तब ये जो रेखा है पी एम क्यू ये ए बी का अभीष्ट लंब समद्विभाजक है, तब रेखा पी एम क्यू ए बी का अभीष्ट लंब समद्विभाजक है। ये रचना मैंने थोड़ा समय बचाने के लिए पहले से लिख के रख ली थी। अब देखिए, जो मेन समझने वाला कार्य है वो ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि पी एम क्यू जो है वो ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो उसके लिए आप रचना करोगे कि इस रचना में पहले हम क्या करेंगे कि ए और पी को मिलाएंगे, ए क्यू को मिलाएंगे, इसी तरह से बी पी को मिलाएंगे, ये बी और ये पी, और बी क्यू को मिलाएंगे, ओके। अब यहाँ पर पहले ये जो त्रिभुज है पी ए क्यू और पी बी क्यू, इन दोनों का सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, त्रिभुज पी ए क्यू, त्रिभुज पी ए क्यू तथा त्रिभुज पी बी क्यू, इन दोनों में देखिए कि ए पी बी पी के बराबर, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ए क्यू भुजा इस भुजा के बराबर है, और पी क्यू दोनों में उभयनिष्ठ है, तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगी, सर्वांग सम। तो आइए फटाफट लिख देते हैं कि ए पी बराबर बी पी, क्यों, क्योंकि समान त्रिज्या वाले चाप हैं ये, देखिए उसी त्रिज्या की चाप ही है और उसी त्रिज्या की चाप ये है, समान त्रिज्या वाले चाप। इसी तरह से ए क्यू बी क्यू के बराबर है, ये भी क्यों है, क्योंकि समान त्रिज्या वाले चाप, सेम कारण देना आपने, और पी क्यू
पी क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब हम लिखेंगे कि भुजा 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 सर्वांग समता नियम से भुजा 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 सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज पी बी क्यू के। अगर ये सर्वांग सम है तो कोण ए पी एम, ए पी एम यानी ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, बी एम बी पी एम के बराबर। इसका मतलब कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ए पी एम बराबर कोण बी पी एम। क्यों बराबर होगा? क्योंकि सी पी सी टी द्वारा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब ये कोण बराबर सिद्ध होने के बाद हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे और फिर ये कोण जो है 90 डिग्री का सिद्ध होगा और ए एम बी एम के बराबर सिद्ध होगा। तो अब देखिए थोड़ी सी जगह कम है, मिक्स ना हो जाए इसलिए थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ मैं। अब त्रिभुज ए पी एम तथा त्रिभुज बी पी एम में इन दोनों त्रिभुजों में क्या है कि ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी। क्यों बराबर है? क्योंकि समान त्रिज्या वाले चाप, समान त्रिज्या वाले चाप है। इसके अलावा पी एम दोनों में कॉमन नहीं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, कोण ए पी एम बराबर कोण बी पी एम, ये अभी प्रूव कर दिया हमने। और कोण रेखा पी एम पी एम के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा? देखिए यहाँ जगह कम याद कर देता हूँ मैं कि त्रिभुज ए पी एम, त्रिभुज ए पी एम बराबर है त्रिभुज बी पी एम, सॉरी सर्वांग सम है त्रिभुज बी पी एम के। अगर ये सर्वांग सम है तो ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम। क्यों? क्योंकि सी पी सी टी द्वारा। और साथ में ये वाला कोण इस कोण के बराबर भी है तथा कोण ए एम पी एम ए बराबर कोण पी एम बी। लेकिन ये देखिए यहाँ पर रैखिक युग्म भी तो है, रैखिक युग्मों का सम कितना होता है 180। तो कोण पी एम ए प्लस कोण पी एम बी बराबर 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि रैखिक युग्म है ये। अब इन दोनों का टोटल 180 डिग्री है तो पी एम ए किसके बराबर का है? पी एम बी के बराबर। तो पी एम ए को पी एम बी प्लस कोण पी एम बी बराबर 180 डिग्री या दो कोण पी एम बी बराबर 180 डिग्री या पी एम बी कोण कितना हो जाएगा 180 बटे दो 90 डिग्री हो जाएगा। तो
ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री का। तो देखिए कि AM BM के बराबर है और ये कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब PMQ AB का लंबसम द्विभाजक है। तो उसके बाद कहाँ करें अब इसको, चलो मैं इधर कर देता हूँ कि क्योंकि AM बराबर BM तथा कोण PMB बराबर 90 डिग्री है, इसका मतलब PMQ AB का लंब सम द्विभाजक है, लंब सम द्विभाजक ओके। देखिए थोड़ा सा लेंथी ज़रूर लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है। पहले आपने क्या करना है कि PQ, APQ और BPQ इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दीजिए भुजा 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 सर्वांग समता नियम है, ठीक है। देखिए इस पाठ में हमने इसको कर दिया है। उसके बाद आपने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देना है जो इतने इतने में हमने कर दिया है यहाँ तक। उसके बाद CPCT द्वारा ये भुजा इसके बराबर होगी और ये कोण इसके बराबर, इन दोनों का टोटल कितना 180, और ये आपस में बराबर है तो ये कोण कितने का हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये तो हमने कहा है कि ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये एक कोण 90 डिग्री, इसलिए PMQ इसका क्या है, समद्विभाजक है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आप नोट कैसे करेंगे कि पहले तो रचना के चरण, उसके बाद आप यहाँ जाना, पहले रचना के चरण, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ से और ऊपर, और फिर लास्ट में ये नोट कर लेंगे। अब आगे रचना 11.3। एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना करना। अब देखो मान लेते हैं कि हमें एक किरण ए बी दे दी गई है, जिसे मैं यहाँ ड्रा कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक किरण ए बी है, इसके बिंदु ए पर हमें 60 डिग्री के कोण की रचना करनी है। अब 60 डिग्री के कोण की रचना कैसे करेंगे, देखिए कि आप अपनी मर्जी से प्रकार खोलें और ए को केंद्र मानकर और एक चाप लगा दें, ओके, जो किरण ए बी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। अब आपने उतना ही खुला प्रकार रखना है, प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना है। डी को केंद्र मानकर इस चाप को काट देना है और मान लेते हैं कि बिंदु ई पर काटती है। अब आप क्या करेंगे कि ए और ई को मिला देंगे स्केल की सहायता से, ए और ई को आपस में मिला देंगे, ओके। तो हम इस किरण को किरण ए सी का नाम दे देते हैं। तो वास्तव में सी ए बी ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो आइए पहले इसकी रचना कर लेते हैं, फिर इसको वेरीफाई करेंगे कि ये 60 डिग्री का ही है बिना मापे। हम लॉजिकली अपने तर्क के साथ या कारण के साथ हम ये सिद्ध करेंगे कि ये 60 डिग्री का कोण है। लेकिन उससे पहले अपन रचना के स्टेप, रचना में सबसे पहले हमने क्या किया था, ए बी एक वो किरण ली थी जिसमें ए को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त की चाप खींची थी। तो वही हमने लिख दिया, ए को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप, एक वृत्त की चाप खींची, जो ए बी को माना कि एक बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। अब डी को केंद्र मानकर और उसी त्रिज्या जो पहले ली गई थी से एक चाप हमने खींची,
जो पहले स्टेप में खींची गई चाप को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, और फिर ई से जाने वाली एक किरण एसी खींची, ई से जाने वाली एक किरण एसी खींची तो हमें सी ए बी 60 डिग्री का कोण जो है वो प्राप्त हुआ है। तो कोण सी ए बी ही 60 डिग्री का अभीष्ट कोण है। यानी जैसे जैसे आप बना रहे हो ऐसे ऐसे लिख दो, अगर थोड़ी मोटी लैंग्वेज इधर उधर हो जाए तो कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम अपनी रचना को प्रमाणित करेंगे। ये 60 डिग्री का ही है तो इसके लिए आप डी और ई को मिलाएं। अब यहाँ देखिए कि ए डी बराबर ए ई है और ये डी ई के बराबर भी है। क्यों? क्योंकि देखिए वैसे तो हम इसको माप के देखें तो ये डिवाइडर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस मापता है। यहाँ से देखिए ए डी ए ई के बराबर है और ये किसके बराबर है? डी ई के बराबर है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि ए डी बराबर ए ई बराबर ई डी। ओके, तो इससे पहले आपने क्या किया, डी और ई को मिलाया, डी ई को मिलाया। तो क्योंकि ए डी और ए ई और अब देखिए बराबर क्यों है, क्योंकि ये समान चाप की त्रिज्याएं हैं। देखिए ये वाले चाप हमने यहाँ पर ली थी तो ए डी भी उसी चाप की त्रिज्या है, ए ई भी उसी चाप की त्रिज्या है और यही चाप हमने यहाँ लगाई थी तो ए डी भी इसी चाप की त्रिज्या है। तो इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख दीजिए रचना से। या अगर और अच्छा लिखना चाहें तो समान चाप की त्रिज्या। तो अब ये क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होगी और तीनों भुजा बराबर है तो त्रिभुज ई ए डी त्रिभुज ई ए डी एक समबाहु त्रिभुज है। और ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का आपको पता है कि प्रत्येक कोण बराबर होता है और 60 डिग्री है। इसलिए क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री है होता है, इसलिए कोण ई ए डी जो किसके बराबर है, सी ए बी के बराबर बराबर 60 डिग्री कहते हैं। कोण सी ए बी बराबर 60 डिग्री प्रूट, यह हैंस प्रूट। ओके, तो इसका प्रूफ तो बिल्कुल सिंपल सा है कि ई डी को मिला दें फिर ये एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का, इसलिए कोण ए 60 का हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।